हेलो फ्रेंड, इंस्टेंट जानकारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जॉब अपडेट एंड कार्ड अपडेट जेल अपडेट के बारे में पूरी जानकारी जाती है। इस वीडियो में जानोगे आप इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, सिलेक्शन प्रोसीडर क्या रहेगा और पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों, इसके फॉर्म भरे गए थे 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2021 के बीच में। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी हुए थे और जिनका एग्ज़ाम 20 से 22 मार्च तक हुआ था। तो दोस्तों, अभी की रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, उससे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज की। जो पोस्टें हैं, नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसीज थी, यहाँ पर आप देख सकते हो नियर अबाउट 300 से ऊपर वैकेंसीज थी दोस्तों, 358। तो अब बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसीडर की बात की जाए, आप यहाँ पे देख भी रहेंगे, सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसकी देर परफॉर्मेंस इन स्टेज वन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस के बीच में स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर एक्सपीरियंस डिटेल लो। तो हम इस वीडियो आप आगे देखोगे कि आपका स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थर्ड एंड फोर्थ का क्राइटेरिया क्या है। और दोस्तों, इसके साथ में आपको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आपकी ट्रेनिंग में होनी चाहिए, ICG की जो ट्रेनिंग होगी। तो सिलेक्शन प्रोसीडर पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेज वन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और स्टेज वन रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो जो इन पोस्टों के लिए सेक्शन में आपको पर सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो नाविक DB के लिए सेक्शन वन, इसमें आपको 30 मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए और 27 होने चाहिए SC ST के लिए। तो अगर नाविक GD के लिए देखें तो सेक्शन वन और टू में उसको क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको देखोगे आपको जो पासिंग मार्क रहेगा OBC कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए 50 मार्क्स का और अदर कैटेगरी के SC ST के लिए 44 मार्क्स का। तो इसमें आपको पासिंग इन सेक्शन वन एंड टू सेपरेट इज कंपल्सरी, दोनों सेक्शन में पास होना चाहिए इन सेक्शन के हिसाब से। और दोस्तों, अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में देखा जाए सेक्शन वन और थर्ड में आपको पास होना चाहिए, और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है 50 मार्क्स रहते हैं अनरजिस्टर्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए और 44 रहते हैं SC ST के लिए दोस्तों। तो आप ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम ही है। तो इन सेक्शंस का आप ध्यान देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पोस्ट का अलग सेक्शन दिया होता है। यहाँ पे पासिंग सेक्शन और फोर्थ एंड सेपरेट कंपनी, इन सेक्शंस में पास होना बहुत कंपलसरी है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं तो दोस्तों, आपकी जब सारी स्टेजेस क्लियर हो जाती है उसके बाद क्या रहता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो उसके बाद जो भी रहता है प्रोसेस रहती है मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन वो कम्प्लीट करनी होती है, और उसके बाद आपका फाइनली मेरिट लिस्ट पर भी की जाती है ऑल इंडिया लेवल पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो स्टेज वन, टू एंड थर्ड एंड फोर्थ का एग्जामिनेशन का क्या शेड्यूल रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेज वन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में हो चुका है, मिड एंड या एंड मार्च में हो चुका है, अब इसका रिजल्ट आना बाकी है। और स्टेज टू का एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये अप्रैल के एंड में हो सकता है या एंट्री मई के स्टार्टिंग में हो सकता है। तो दोस्तों, अब जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सेकंड स्टेज का एग्जाम भी अप्रैल में एंड में हो सकता है, और आज नियर अबाउट तो क्या बोलते हैं कि जो डेट हो चुकी है 12 अप्रैल हो चुकी है और अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि और जिसका अब मई में इन्होंने स्टेज टू का एग्ज़ाम लिखा तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और फैक्ट से आपसे अभी अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से चेक किया होगा तो आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट थी यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई दिया होगा रिजल्ट डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पे आप चेक कर पाओगे इधर रिजल्ट ऑफ स्टेज। यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया हुआ है, यहाँ पे 20 डेज लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। द रिजल्ट ऑफ स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, सभी स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है स्टेज वन से लेकर स्टेज थर्ड कैन बी एक्सेस्ड बाय लॉग इन टू कैंडिडेट अकाउंट ऑन ICG वेबसाइट पर आप चेक कर पाओगे। और यहाँ पे विद इन 20 डेज यानी 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका एग्जाम 20 से लेकर 22 मार्च तक हुआ है तो आपका रिजल्ट उसमें 20-20 डेज इंक्लूड कर लीजिए, उसके अंदर आ जाना चाहिए, उम्मीद है दोस्तों पूरी है। और उम्मीद है कि जैसे अगर आप 22 मार्च से 20-20 डेज इंक्लूड करते हैं तो आपका रिजल्ट इनकमिंग डेज में आ जाना चाहिए, नियर अबाउट 1 एंड 2 डेज में आना जाना चाहिए। और अगर 20 डेज के हिसाब से बात की जाए आपका रिजल्ट नियर अबाउट ये आपका होना चाहिए 12 अप्रैल को आ जाना चाहिए या फिर इसके बाद आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं और जैसे ही रिजल्ट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे दोस्तों। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, तब तक धैर्य बनाए रखिए और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।